माँ जब साहेब किरदार से टकराती है वो तो मरता ही नहीं माँ भी मर जाती है। माँ जब साहेब किरदार से टकराती है सबको मौत आती है जो बाहर है वही अंदर आ जाए ताकि बच जाए। माँ जब साहेब किरदार से टकराती है माँ जब साहेब किरदार से टकराती है वो तो मरता ही नहीं माँ भी मर जाती है। ये तो तरकीब मुलाकात अली है जो करते अब तारीफ
Allahumma salli
जाता के सब दांतों तले
Saturday.
थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ जाओ बाबू।
आने वाला है जगह देगी। आ गया जाओ बड़ा आ गया आ गया। Well,
इस नाम की नजर में, वो इस नाम का नहीं, इस नाम की नजर में, वो इस नाम का नहीं, इस नाम की नजर में, वो इस ये कोई न कहे।
बात पहुंच जाए एक पैगाम मजलिस की तो मरहूम के सारे सवाब के लिए काफी होता है। पेश करता हूं राजा फरमाए बड़ी आम से बात फिर जिला पेश कर रहा हूं। ये रखा है नाम जैसा करो वैसी तरबियत, रखा है नाम जैसा वैसी तरबियत करो वैसी तरबियत, रखा है नाम जैसा करो वैसी तरबियत, सज्जाद नाम रखने से कुछ पाएगा से मशवरा चोलिया
होता है खुश पे दरे के मजलिस में
मेरे हिसाब से यहाँ के स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक 12:30 बजे अजान होती है, तो इंशाल्लाह उसका भी ख्याल रखूंगा। मजलिस ईसाले सवाब की है, मजलिस चेलू में मजलिसे हम करते हैं, खर्चा हम करते हैं, तकलीफ दूसरों को होती है। क्यों? कई ईसाल कर रहे हैं आप, इसे भेज रहे हैं जो पा ही नहीं सकता, जिसे भेज रहे हैं वो पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता था? वो तो मुर्दा है, मुर्दे तक कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो यहां से वहां चला गया, यहां से वहां चला गया। मैंने कहा किस चीज पे आपको तकलीफ है? यहां से वहां भेजने वाली ताकत पे या भेजने का सरिया नहीं रह गया? तवज्जो कीजिएगा, जरिया नहीं रह गया कि ताकत नहीं रह गई। पहले आइए ताकत की गुफ्तगू कर लेते हैं। हम लोगों का भी बचपना गुजरा है और गांव बिहार में भी अभी बचपना बाकी है। वो बचपना पुराना बचपना, नया बचपना तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया, जो बच्चे कर ले रहे हैं वो बुजुर्ग नहीं कर पा रहे, यानी वो इतना तरक्की कर चुका है। होता ये था कि जब बारिश होती थी तो हम लोग ये करते थे, या होमवर्क करते करते कॉपी वगैरह में जो पेज खराब हो जाए बहुत सफाई से फाड़ के उसे निकाल लेते थे, ताकि बाद में उस्ताद को पता ना चले कि किताब से पेज फाड़ा गया। बहुत ऐब माना जाता था उस वक्त कि अगर कोई सफा फट गया, सफाई से निकालते थे। तो अब करें क्या? तो करते ये थे कि उसकी कश्ती बनाते थे, है ना, इस चीज की, कागज की। एक पेज ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम का होगा, है ना, इतनी था। उसकी कश्ती बनाई, बारिश हो रही थी या बाल्टी में पानी रखा था या तालाब था या बहती हुई नाली थी, हमने वो कागज की कश्ती उसमें डाल दी। कुछ दूर चली, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जब तक उसके अंदर अपनी सलाहियत थी, अपनी ताकत थी, वो चलती है और कुछ दूर जाकर के पलट गई। इंसान ने तरक्की किया, कहा ये कश्ती अभी उतनी मजबूत नहीं। उसने क्या किया? बड़ी बड़ी लकड़ियों की कश्तियां बनाई, वो चली समंदर के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच गई, इस मुल्क के साहिल से चली दूसरे मुल्क के साहिल तक पहुंच गए। और आगे का मरहला, जिसे कश्ती नहीं बनानी आई तो कम से कम इतना तो बनाना आया कि जहाज बनाया और गिलास में किसी के ऊपर फेंक दिया। तवज्जो कीजिएगा, ये होता था कि नहीं होता था? जिसे चिढ़ाना हो, जो क्लास का सबसे तेज तर्रार लड़का होता था उसे बेवकूफ समझा जाता था, उसी को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता, यही ना होता है? आमतौर से अक्सर यही देखा गया है। उसने क्या किया? उसी कागज की का उसने जहाज बनाया, फेंका, कुछ दूर ऊपर गया, सलाहियत जितनी थी उसके अंदर, जितनी ताकत थी, इंसान ने और तरक्की की, साइंस पढ़ करके उसने हेलीकॉप्टर बनाया। कहा वो 800, 1000, 1500, 2000 मीटर की बुलंदी तक उड़ सकता, इंसान ने उसे उड़ाया। इंसान ने और तरक्की की, तवज्जो कीजिएगा, तरक्की करके अब इंसान ने हवाई जहाज बनाए, उसके आगे जेट बनाए, उसके आगे और तरह तरह के लड़ाकू जहाज बनाए कि जो बुलंदियों पे जाकर के प्रवास करने लगे। भाई उसने भी तो जहाज बनाया था कागज फाड़ करके, इसका क्यों उस बुलंदी पे नहीं गया जहां जेट उड़ रहा है? तवज्जो कीजिएगा, उसने भी तो हेलीकॉप्टर बनाया था,
भाई उसने काफी बुलंदी तक, लेकिन एक आतंक वहां तक क्यों नहीं गया जिस बुलंदी पर मिसाइल पहुंचता है? तवज्जो कीजिएगा, आखिर वजह क्या थी? कहा कि इनकी अपनी एक कमी थी, इनके अंदर जितनी ताकत उड़ने की थी, जितने ऊपर जाने की थी, कहा वो ताकत क्या थी? कहा वही ताकत वसीला कहलाती है जो ले करके जाती है। कहा ये इनका अपने कुछ जाती मसाइल थे, कुछ अपनी जाती ताकतें थी जिसे ईंधन कहा जाता है, दूसरी ताकत थी इलाही जिसे हवा कहा जाता है। यानी अगर हवा का सहारा न मिले तो इंसानी ताकतें बेकार है इन जहाजों को ऊपर ले जाने में। तवज्जो कीजिएगा, यानी इंसान अब इतना मानने को तैयार हो गया कि अगर बरंदी चाहिए तो एक वसीला जरूर चाहिए। वसीला एक ताकत का होना जरूर चाहिए ताकि इंसान कमाल तक पहुंच सके। अभी और वजाहत नहीं करूंगा, आगे सवाल नहीं बढ़ा। आगे वो ईसाई सवाल क्या होता है? आप कैसे भेजते भैया? कौन जाता है? आपको यकीन है आप यहां वो वहां? मैंने कहा आप क्या समझते हैं हम सेब नजर कराते हैं तो सेब वहां पहुंचता? बदल मिलता, तवज्जो दीजिए, बदल मिलता, बदल ही नहीं नेअमुल बदल, नेअमुल बदल मिलता है। कहा कैसे मिलता है? मैंने कहा हर बात किताब में नहीं मिलेगी, कुछ अक्ल तय करती है। खुदा का शुक्र है हम जिस मजहब और अकीदे के हैं वहां कुरान और हदीस के अलावा दलील के तौर पे अक्ल को भी माना जाता है। तवज्जो कीजिएगा, हमारे अकीदे में कुरान और हदीस के अलावा दलील के तौर पे अक्ल को भी माना जाता है। तो अक्ल को दलील वही मानते हैं जो साहिबाने अक्ल आए, साहिबाने अक्ल वो दलील के तौर पे मानते हैं। अब अक्ल का इस्तेमाल करो, कैसी वसीला पहुंच जाता? पता चला कि हम यहां से गए बनारस, माहिर भाई से मुलाकात हो गई। हम कह रहे माहिर भाई ऐसा हुआ कि वो रास्ते में आ रहे थे जीप कट गई है, भाई इतना दे दिया कि हम जौनपुर तक पहुंच जा रहे। मौलाना साहब ऐसी बात करते हैं आप जितना कहिए हम दे देंगे। इन्होंने जीप से निकाला हो ये क्या हो गया? ये आमने सामने का लेन देन हो गया। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वही हादसा हमारे साथ। हम चले गए दुबई अशरा पढ़ने के लिए, अब वहां जाकर के हम फंस गए। लोगों ने अशरे के नाम पे बुला दिया, वहां अशरा अशरा कुछ नहीं। इधर से किराया अपनी जेब से लगा करके गए थे, उधर से वापस आने का कोई जरिया नहीं रहा। मिसाल दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, खुदा ना करे कि कोई मोमिन लिबास से मोमिन में मुनाफिक निकले, कोई मोमिन लिबास से मोमिन में मुनाफिक निकले। मोमिन जो है धोखेबाज नहीं होता है, मुनाफिक धोखेबाज होता है। इसलिए कि पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक कला, मुनाफिक की तीन पहचान। सलवार पढ़िए बनवाऊंगा, तदबीर करने को वक्त नहीं है वरना मैं तदबीर से शुरू कर देता। सलवार पढ़िए बनवाऊंगा, किसानों से मैं गुजर जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कौम इन मजलिसों की बदौलत इतनी तो आड़ी हो गई है कि वो इस्माइल वहां मरने के बाद भी समझती है। इस मरने के बाद भी समझती है इन मरीजों की बदौलत।
और गरम है शहजादी कौनैन का और बीबी शहजादी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा क्या उन्होंने एक ये वसीला हमारे लिए करा दिया। तो अब हम फंसे हुए, अब हमने फोन किया, हमने कहा माइल भाई इज्जत दांव पे लग जाएगी अगर वही अपना जान पहचान का यहाँ मिल गया। और उसने ये कहा कि अरे कैसे, तो अगर हम उससे मजबूरी कहेंगे ये भी एक नया मांगने का स्टैंडर्ड निकला। देखिए आजकल हथकंडे नए नए निकल रहे, वो हदीस तो पेश कर दू मुनाफिक वाली कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा जब मैं तर्जुमा करूंगा। अपने गरीबान में पहले झटके दे दीजिएगा, हम पे फिट हो रही है कि नहीं। मजलिसों में लोग सलाइरी लेकर के बैठते देखते हैं मौलाना कौन सा नट लेकर के आए, किस पे फिट करना है, धड़ धड़ कस देते हैं, ये नहीं देखते अपने ऊपर कस करके कि हम ही पे बैठ रहा। सलाई नहीं चले करके बैठते कि जो भी नट मौलाना फेंके वो किसी के ऊपर कस दिया जाए, अपने ऊपर फिट करके देखो गरीबान में जा करके, कोई किसी की जानी नहीं देखेगा ये इनके ऊपर पड़ गए मौलाना, ये बहुत बोल रहा है। कभी अपने ऊपर भी सोचो कि हमारे ऊपर तो नहीं पड़ के गए हैं। आयतुल मुनाफिक खलास, मुनाफिक की तीन पहचान है। पहली पहचान इज़ा वादा अखलफ, जब भी वादा करता है वादा खिलाफी जरूर करता। इज़ा हद्दथा कदिबा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। ये कौन है? नबी फरमा रहे हैं वादा खिलाफी करने वाला मुनाफिक, झूठ बोलने वाला मुनाफिक। इजाकू तुम्हेना खाना, जब उसे कोई अमानत दी जाए तो उस अमानत में खयानत करे। अमानत में खयानत, जैसे ही बात आती है अमानत में खाली रुपया सिक्का पैसा सोना चांदी यही हमारे जहन में आता है, ये हमारा पूरा वजूद खुदा की अमानत है। उसने हमें पाको पाकीज़ा दिया है, गुनाहों से मुबर्रा दिया है, इस अमानत को वैसे ही पहुंचाना चाहिए जो इस अमानत को जैसी खुदा ने दिया है वैसे ही पहुंचा रहा हो तो उसे कहने का हक है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलवात किए बनो एक जुमला जवानों के हवाले कर दो, अमानतों में खयानत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने ये जबान इस वजूद में एक जबान को भी दिया है, जबान भी अल्लाह की अमानत है। का अल्लाह की अमानत की हिफाजत कैसे की जाए? का अल्लाह ने ये जबान दी है हक बोलने के लिए, जहां हक बोलना हो जबान बंद नहीं होनी चाहिए, जहां बातिल आ जाए जबान को हिलना नहीं चाहिए। हमने कहा बड़ी इज्जत दांव पे लगी है, कुछ कीजिए। कहने अरे मौली साहब आप यहाँ कहीं आस पास जौनपुर में रहते, लखनऊ में रहते, बम्बई में रहते, गुजरात में रहते तो हम अपने किसी साहब से जानने वाले से वहीं आपको कुछ दिलवा देते, अब वहां तो हमारी इतनी पहुंच है नहीं, हम क्या करें? करें अच्छा रुकिए, पर पुराने जमाने के आदमी है इतनी पेशेंस की ज्यादा खबर नहीं। बच्चे से बताया आपने कि मौलाना साहब हैं हमारे जान पहचान के, वो परेशान हैं बेचारे, ने हमसे कहा हम उनकी मदद क्या कर सकते हैं। बच्चे ने बढ़ करके कहा कोई मुश्किल नहीं, मौलाना से पूछिए कि किसी का अकाउंट नंबर वहां का मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, फोन किया मिलेगा। कहा बिल्कुल मिल जाएगा, है एक जान पहचान के आदमी,
इन्होंने इधर क्या किया, इधर बैंक वाले को इधर पैसा दिया, उधर उसने बटन दबाया, उधर हमारे यहाँ मैसेज आ गया रिसीव है, ये रिसीव हो गया, जिस अकाउंट में आना था उस अकाउंट में आ गया। कहा सरहद के इस पार से उस पार, कहां भेजा जाना था, मुल्क के बाहर। कहा इधर हमने 2,000 की नोट दी है, बोला ना फोन करके बताया, 2,000 की नोट थी, 500 वाली थी, कुछ 100 वाली थी, कुछ 50 की थी, कुछ 20 की थी, सब आपको मिल गई है ना, बताइए जो नोट इन्होंने यहाँ बैंक में दिया था वही मिलेगी हमें। कहां रुपया नहीं चलता, वहां दिरहम चलता है, अब यहाँ रुपया दिया गया, वहां दिरहम, अंदर रुपया ही दे दो, इसलिए कि वहां रुपये का रुपया यहाँ नहीं चलने वाला, यहाँ की जो राइज करेंसी है वही दी जाएगी। हमें समझते हो कि हम नजरों ने आज जो यहाँ कराते हैं यही हमारे मुर्दों को भी दान है, हम यहाँ से अकाउंट में कुछ भेजते हैं, वहाँ की राइज करेंसी अल्लाह देता है। अल्लाह इन बातों पे उन सुभान अल्लाह कहने वालों को सलाम करें, बहुत जसारत के साथ मैं कह रहा हूं, निडर होकर के, कोई डर नहीं। अल्लाह उन सुभान अल्लाह इन बातों पे अभी जो मैंने 5-6 मिनट की कहने वालों को सलाम करके, सिर्फ उन लोगों को, उन लोगों को सलाम करके जो ईसाले सवाब करना जानते, ईसाले सवाब करना जानते, ईसाले सवाब करेंगे कैसे, हद अकल कुरान खानी, कुरान खानी कैसे करेंगे, कुरान हमें थोड़ी जैसे मिल जाता, देने वाले ने अपनी बेटी को दिया था, पढ़ना हो तो उसे पढ़, जैसे एक आइटम बढ़ाया जाता है कुरान, और वो भी रुखसती के वक्त दूल्हे की गोद में दिया जाता है, ये बैठे रहो, काश के जितना तकद्दुस दूल्हा बनते वक्त कुरान के साथ दिखाया, वैसे ही तकद्दुस इंसान के किरदार में झलकने लगे कुरान, उसकी जिंदगी कितनी नूरानी हो जाए, वो कुरान आपके हमराह आता है, कभी खोल करके हवा भी ले लीजिए, अब तो हवा के बिना और खत्म हो गया, पहले बीमारियां होती थी घर में, माए कुरान शरीफ को उठाती थी, कुरान की हवा देती थी, परचम की हवाएं देती थी, वो तो सलमान बड़ी बड़ा, जो बात असल पढ़नी है अभी वहां तक मैं पहुंचा ही नहीं, तैयार ये माहौल ऐसा जो हमारे दरमियान पैदा हो गया है कि कुरान खानी नहीं जानते, इतने बहाने हो गए, लेकिन खुदा का शुक्र अदा कीजिए इन मजलिसों में ये कितना मजमा होगा, 100-150-200 आदमी यही होगा ना, हर मजलिस में आप एक चीज ये सुनते हैं, क्यों ऐसा होता है, मरहूम के लिए 1 मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तरह, और कोई कुरान का सूरा नहीं रह गया था, सूरे कौसर शहजादी कौन है, उसकी भी फजीलत, सूरह बकरा ना सही, सूरह नाश पढ़वा दिया जाता, चार कुल पढ़वा दिए जाते, लेकिन सूरह तौहीद ही क्यों, तवज्जो कीजिएगा,
सूरह तौहीद की तिलावत की जाती है। क्यों? शायद अल्लाह भी समझता था ये कौन खूब कुरान नहीं पढ़ेगी, लेकिन इससे कुरान का सवाब दिलवाना। सुभान अल्लाह। रसूल की एक हदीस है, दूसरी भी सुनाऊं। ए अली, तुम्हारी मिसाल सूरह तौहीद की है। क्यों सूरह तौहीद पढ़वाई जाती है? सूरह तौहीद क्यों पढ़वाई जाती है? 200 आदमी है ना, मेरा दावा है किसी के भी साले सवाल की मजलिस होती है 200 कुरान खत्म होते हैं। 200 कुरान खत्म होते हैं, वो कैसे? अब इसी को ना बना लीजिएगा, कुरान खानी नहीं जाएंगे, वही काम कर लेंगे। देखिए असल और है, नकल और है। असल और नकल का फलसफा याद रखिए। बाइक तो लोग चलाते हैं ना, चेकिंग जब पड़ती है आप डीएल की जो है फोटो कॉपी लेकर के जाइए, रसीद भी और दो चार रसीद भी चलेगा, असल लेकर के आओ। कहिए हम जान गए कि गाड़ी चोरी करें, यहाँ को चलाना था सब कुछ, एक एतबार आपका बचा रहेगा, समझिए। ये एतबार बचाने के लिए सवाब रखे गए हैं, लेकिन असल असल है। क्यों सूरह तौहीद की तिलावत कराई जाती है? जाइए सूरह तौहीद के फजाइल पढ़िए, तफसीर अल-मीज़ान में साहिब अल-मीज़ान रवायत करते हुए लिखते हैं, अल्लामा तबरतबाई लिखते हैं कि सूरह तौहीद के सवाब क्या है, सूरह तौहीद की फजीलत जो बयान करते हैं, फजीलत बयान करते करते लिखते हैं, कहते हैं कि जिसने एक मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत की, किससे रवायत किया? रसूल खुदा से। जिसने एक मर्तबा सूरह तौहीद पढ़ी, जिसने एक मर्तबा सूरह कुल अल्लाह पढ़ा, गोया के उसने 1/3 कुरान खत्म कर दिया। जिसने 2 बार कुरान को पढ़ा, उसने 2/3 कुरान को खत्म कर दिया। जिसने 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत की, गोया के उसने पूरे कुरान को खत्म कर दिया। अब फलसफा समझ में आया कि हमारे बुजुर्गों ने किसी सूरह की जगह सूरह तौहीद की तिलावत क्यों रखवाई? कि कम से कम हर मजलिस में आने वाला मरहूम को एक कुरान का सवाब मिल जाए। कुरान और अहले बैत दो हमारे साथ। कुरान की अगर कोई आयत होती है, अब यहां से मैं जिस हदीस की मैंने तिलावत की है वो खुद 1.5 घंटे का मौजूद है, लेकिन कोशिश करूंगा शार्ट करके पढ़ूंगा। जैसे कुरान की हर आयत होती है, उस आयत का शाने नुज़ूल होता है, शाने नुज़ूल होता है। अभी मैं आयत पढ़ूंगा, आप शाने नुज़ूल खुद बता देंगे कि शाने नुज़ूल वही समझ में आ जाएगा। वो आयत क्या? या अय्युहर रसूल बल्लिग, इसका शाने नुज़ूल क्या है? वाक़िए ग़दीर है ना, हमने कहा सुम्मा नब्तहि हमने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, आपने क्या कहा? शाने नुज़ूल पूरा वाकये के साथ है ना, ये अपनी जगह इसे शाने नुज़ूल कहा जाता, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हदीसे भी है तो अक्सर व बेशतर हदीसों का शाने सुदूर भी है। बेशक कब ये कही गई है, कब ये शादी हुई है, इसके पीछे भी कोई ना कोई दास्तान है। मैंने जो हदीस पेश की है ये है, या अली अंता मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, इसका भी शाने सुदूर है। इसका शाने सुदूर क्या है? ए अली, तुम्हारी निस्बत ऐसे ही है मुझसे
जैसे मूसा को हारून को मूसा से थी। पैगंबर ने यह फरमा दिया कि निस्बत अली निस्बत मूसा जैसी है, निस्बत हारून जैसी है। आखिर ये कब फरमाया, क्या वाकया हो गया, तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाह, बेशक अभी मैं वाज़ह तौर से नाम ले लूंगा कब का ये वाकया, लेकिन अभी मैं एक इशारा कर रहा हूं। इशारा क्या है, कब ये नाजिल हुई, ये एक ऐसी ये सादिर कब हुई, ये हदीस का ये हदीस सादिर हुई ऐसी जंग में कि जिस जंग में जंग नहीं हुई। अब तू देख सोचा कीजिए, बाद में नाम बताऊंगा। ये हदीस सादिर हुई ऐसी जंग में कि जिस जंग में कोई जंग ही नहीं हुई। सलवात पढ़ी पर मोहम्मद वाले सोचने वाली बात, आखिर वो कौन सी जंग है कि जिसमें कोई जंग ही नहीं, फिर उसे जंग क्यों कहा जाता। तवज्जो कीजिए, निस्बत क्या बयान की गई है, नबी ने जो बयान किया अली तुम्हारी मुझसे वही निस्बत है जैसे हारून की मूसा से, यानी अली की निस्बत को अगर मोहम्मद से समझना है तो हारून की मूसा से निस्बत को समझो। बहुत निस्बतें आप लोगों ने सुनी थी सरकार, आपने बहुत खिताब भी किया है। हुजूर आपकी इजाजत से एक बात इशारा करना चाहता हूं, देखिए तीन लफ्ज ऐसे हैं हमारा समाज उसे एक समझता, मजलिसों में वो लफ्ज इस्तेमाल होता अक्सर कि तारीख में लिखा फलसफा है, तारीख ये है, सीरत ये है, इन तीनों कलमों को एक समझता है, तारीख फलसफा तारीख और सीरत इसको एक समझता है मुख्तसर तीन लफ्जों में, इससे ज्यादा नहीं, तफसील तो बहुत हो सकती है। तारीख क्या है, हिस्ट्री इतिहास, ये तो मुतबादिल लफ्ज हो गए, किसे कहते हैं सुनिए, फलसफे तारीख फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तारीख किसे कहते हैं, एक एक लफ्ज में तारीख क्या हुआ इसे कहते हैं तारीख, क्यों हुआ इसे कहते हैं फलसफे तारीख, कैसे हुआ इसे कहते हैं सीरत। और जो खैबर की एक तारीख है, वाकए खैबर क्यों हुआ यानी फलसफे तारीख क्या है, इसलिए कि इन्होंने नबी की बात नहीं मानी थी। सीरत क्या है इस वाकए खैबर में, का सीरत ये निखर करके आई कि अली के हाथों फतह हुआ। आपने गौर किया, अब खैबर एक तारीख, उसका अपना फलसफा भी, उसकी अपनी सीरत भी, तारीख हर एक की है, तवज्जो नहीं किया, तारीख हर एक की होती है, सच्ची भी होती है झूठी भी होती है, लेकिन सीरत हर एक की नहीं है। सीरत उसे कहा जाता है कि जिसमें अच्छाई पाई जाए और उस अच्छाई को लोगों को अपनाने का हुक्म दिया जाए। दुनिया में सिवाए अहले बैत के, पैगंबर के बाद सिवाए अहले बैत के कोई भी साहिब सीरत न हुए, क्योंकि सीरत की पैरवी अब जो ये हदीस है आपकी निस्बत वैसे ही है मुझसे अली के जैसे हारून की मूसा से थी, तो ये कहां मिलेगा, सीरत में नहीं तारीख में। जब हम तारीख में गए इसलिए कि हमें अली की निस्बत को पहचानना है पैगंबर से, तो हमें हारून और मूसा की निस्बत को देखना पड़ेगा।
جناب موسیٰ کی تاریخ کا جب ہم نے مطالعہ کیا جناب موسیٰ پھر مولوی صاحب آپ کی اجازت سے جناب موسیٰ کے زمانے میں دو نام بڑے بڑے ہیں اور تاریخ میں اور قرآن میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے تو ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے زمانے کے کوئی بادشاہ نہیں ہوں گے ایک نام ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون ایک نام ہے حامان ایک کا نام ہے قارون توجہ کیجیے گا کتنے ہو گئے یعنی موسیٰ کا مقابلہ کتنوں سے تھا ہارون فرعون حامان قارون اب ان کا کردار بھی دیکھیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے حامان ظاہراً مقدس مآب تھا توجہ کیجیے میں نے لفظ سوال کر کے کہا ہے میں نے مقدس نہیں کہا ہے ظاہراً مقدس تھا اپنے آپ کو ہر چیز میں بچائے رکھتا تھا کہ کہیں سے کوئی آج اس کے اوپر نہ آنے پائے اس کا نام کہیں سے نہ لگنے پائے اپنے آپ کو بچا فرعون بالکل کھلی تلوار تھا ہمیشہ غیظ و غضب میں رہتا تھا تاریخ نہیں پڑھی ہے کیا اور لوگوں کی آپ نے بھائی سیرت کو تاریخ سے تاریخ ایک ظاہر توجہ کیجیے گا ظاہری تقدس ایک کے پاس ظاہری تقدس دوسرے کے پاس غیظ و غضب اور جلال ہر دم تلوار تیسرا تو آپ بہت قاعدے سے جانتے ہیں قارون وقت کا غنی معمولی آدمی نہیں تھا پڑھا لکھا تھا پڑھے لکھوں سے دھوکھا مت کھائیے زیادہ کردار دیکھیے کیسا ہے توجہ دیجیے گا پڑھے لکھوں سے دھوکھا مت کھائیے کردار دیکھیے کہ کیسا پڑھا لکھا بہت تھا آسمانی کتابوں کا مطالعہ تھا یہاں تک کہ اپنے علمی مطالعے کی بنیاد پہ اتنا خزانہ کہاں سے آیا تھا ان کے پاس اپنے مطالعے سے اس نے علم دینیا کو حاصل کر لیا جہاں چاہتا تھا وہ سونا بنا لیتا تھا فرعون کا خزانے دار تھا قارون فرعون کا خزانے دار تھا یہاں تک کہ جانتے وہ کیسے ڈوبا اس میں بھی ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کیسے ختم ہوا جناب موسیٰ سے چلنے لگا جناب موسیٰ سے چلنے لگا کیسے ان کو ذلیل کیا جائے کیسے رسوا کیا جائے جب شریف آدمی کو کوئی برداشت نہیں کر پاتا تو اس کے اوپر تہمت لگاتا اس نے بھی وہی کام کیا کہا کہ ایک عورت کو گئے خزانہ تھا ہی اس کے پاس پیسہ ایسا دیا فلاں دن فلاں وقت تم فلاں جگہ آ جانا میں جتنا کہوں گا اتنا بول دینا تم خالی اس پہ ہاں کہہ دینا تمام لوگوں کو بلایا جناب موسیٰ کو بھی درمیان میں بلایا بلا کر کے کہا کہ آپ یہ بتائیے اے موسیٰ آپ دین لے کر کے آئے لوگوں کو اپنا دین پہنچا رہے ہیں آپ کے دین کے قوانین بھی ہوں گے کہا بالکل قوانین ہے کہا یہ بتائیے آپ کا دین کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی ہو ناجائز تعلقات قائم کیے ہو تو اس کی سزا کیا ہے جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسے شخص کی گردن مار دینی چاہیے ہماری شریعت یہی کہتی ہے اسے قتل کر دیا جائے سنسار کر دیا جائے یا دیوار گرا دی جائے جب جناب موسیٰ اس مسئلے کو بیان کر چکے تب وہ قارون جو ہے لوگوں کی طرف مخاطب ہوتا کہتا ہے لوگوں موسیٰ نے قانون بتا دیا ان کی شریعت کا کیا ہے موسیٰ نے یہی فعل اس عورت کے ساتھ انجام کیا یہ عورت
यहाँ मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा, औरत किस पे आई थी? पैसे। पैसे में ताकत नहीं होती है, अगर खुदा चाहे तो। पैसा ताकत नहीं है, ताकत वो है। पैसे पे आई थी, इकरार किया था, उसने कहा था जो कहोगे वो हम कहेंगे, लेकिन मुंह मांगी कीमत दे दो। मुंह मांगी कीमत भी पा चुकी थी, पाने के बावजूद अब जनाबे ईसा ने कहा अगर ये इकरार कर पाए और कर ले तो मैं भी अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। मैं भी अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। जनाबे मूसा ने कहा बोल, मैंने क्या किया? अब जब वो बोलने लगी तो कह दिया है लोगों, मुझे पैसा दिया गया है, मुझे खरीदा गया है, होता है ऐसा कोई काम नहीं अंजाम दिया। बात खत्म हो गई, मूसा आजाद हो गए। पैसा देने वाला कारून उसके पास गया और जाकर के कहा, इतना पैसा लेने के बावजूद, सारी हानि भरने के बावजूद तूने मुझे धोखा दिया, का मैं नहीं जानती। तू जिसे जब पहले बात हुई थी उस वक्त तो मेरी जबान बोल रही थी, लेकिन जब मूसा ने कहा कि बोल सकती है तो बोले, जब मैं जो बोलना चाह रही थी मेरी जबान कुछ और बोल रही थी। ये काम आई कहां से? खुदा जब रहमने इलाही को इज्जत देना चाहता है तो इसकी इज्जत को बचा लेता है। मूसा की निस्बत क्या है? जो मूसा से हारून की निस्बत, हारून को निस्बत है, वही बोला है कायनात को रसूल खुदा से निस्बत है। मैंने कहा कि मूसा को समझ लीजिए, फिर अली भी समझ में आ जाएंगे। तीन तीन बड़ी ताकतों से मुकाबला मूसा का भी था वक्त की, तीन तीन बड़ी ताकतों से मुकाबला मौलाए कायनात का भी था। दोनों से गुरु हुए क्यों? इसलिए कि रहमाने इलाही थे। लोगों ने बड़ी साजिशें की, शाम में उड़वा दिया, एक फला नाम का चोर है, मैं हिम्मत से नहीं कह सकता, मौला के लिए अफवाहें उड़वा दी, चोर है, बेनमाजी है। तवज्जो कीजिएगा, अब फिर इन्हीं दुश्मनों ने जिन्होंने अली को बेनमाजी प्रोपगंडे के जरिए से शाम में कहलवा दिया था, तवज्जो कीजिएगा, बेनमाजी कहलवा लिया था, उन्हीं प्रोपगंडा करने वालों ने अली को भी कत्ल करवाया तो मस्जिद में, वो भी हालत सजदा में। ये वाकया यूं ही नहीं हुआ है, कहा के हम जुल्म को जुल्म ही से मारेंगे। उनका जो हम करना था हम उनके घर ही में फेर करेंगे। जहां से बेनमाजी कहा गया था अली की शहादत के बाद, वही गवाही दे रहे हैं, अली मस्जिद में मारे गए। निस्बत क्या है? पैगंबर ने क्या फरमाया? कहा कि सन 9 हिजरी की बात है, सन 9 हिजरी में दो सुपर पावर ताकतें थी, दो ताकतें थी, एक रूम एक फारस। इस्लाम पूरे हिजाज पे यमन मिस्र तक पहुंच चुका था। सन 9 हिजरी में जब इस्लाम है चुका था, दो बड़ी ताकतें रूम और फारस, अभी ये लोग तस्लीम नहीं हुए थे मुकम्मल तौर से।
पैगाम पहुंच चुके थे लोगों तक लेकिन तस्लीम नहीं हुए थे। मदीने में अच्छा इंसान हारता वही है जहां अपने दबा दे जाए। जहां अपने जो है लकड़ी लगा दे समझिए कि काम तमाम। अपनों की लगाई आज जल्दी बुझती नहीं, इसलिए जो जानते हैं घर में रूई कहां है वहीं लगाते हैं ताकि धीमे धीमे सुलग सुलग के आग लगे, पता ना चले कि किसने लगाई, कहां से लगाएगी, कैसे लगाएगी। अपनों से खुदा ना करेगी कोई मार खाए। इस्लाम को अपनों ही ने ज्यादा कल भी नुकसान पहुंचाया तो समझ लीजिए ये अपनों ही ने पहुंचाया। उधर कुछ बहरहाल इनको अपना भी नहीं कहा जा सकता लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो कहा जा रहा। ये कुछ लोग गए रूमियों से मिल गए का मौका कुछ गनीमत है कुछ ऐसा कीजिए आप लोग उधर से हिम्मत कीजिए कुछ हम लोग इधर से हिम्मत करते हैं। भाई हम लोग तो जाहिरन ऐसे हो चुके हैं, ऐसे लोगों को सूरह तौबा में जाइए जहां वजह लिखा गया है मुनाफिक आ गया, मुनाफिक भी आ गया और उनके जिम्न में इसी वाक और इसी दास्तान और इसी तारीख के जिम्न में बहुत सी गुफ्तगू है कि जो शामिल की गई है इसी वाके में वो सूरह तौबा में उसकी तरफ इशारा बहुत सी आया और उनसे मिले और मिल करके प्लानिंग की कि कुछ चढ़ाई कीजिए आप इधर से हम हिमायत करेंगे। रूम का एक छोटा सा लश्कर रूम से चल करके तबूक पहुंच गया। तबूक के आसपास रहने वाले छह बड़े कबीलों ने हाथ मिला लिया, मुसलमान हो चुका था वो कबीला लेकिन रूम के साथ हाथ मिला लिया। क्या पैगंबर के कत्ल की साजिश की है। और ये मैं अपनी तारीख नहीं पढ़ रहा हूं पहले किताबों का नाम ले लू अल कामिल इब्ने हजर तफसीर अल कामिल इब्ने हजर ने सलाम मोहम्मद बिन जुरैन तबरी अपनी तारीख में तारीख तबरी अल्लामा बलाज़री अल अंसाबुल अशराफ और इस वाकये का कुछ हिस्सा सही है मुस्लिम में भी मौजूद है और दीगर किताबों में और दीगर सहाबा में भी मौजूद। अब इसमें जो बयान किया गया है सुनिएगा तवज्जो कीजिएगा। उन पांच छह कबीलों ने उधर हाथ मिलाया पैगंबर को इधर पता चल गया कि उधर हलचल चल रही है। पैगंबर ने इधर कहा अच्छा तबूक और मदीने का फासला जरा सुन लीजिए क्या है जोग्राफिया के एतबार से गूगल मैप पे जाकर के देखिए मदीना लिखिएगा और तबूक लिखिएगा दोनों के दरमियान फासला दिखाई देगा कि आज मौजूदा जो मदीना से तबूक तक रेलवे लाइन बिछी हुई है ये वही रास्ता था जिस रास्ते से पैगंबर तबूक तक गए थे। तकरीबन आज वो रास्ता 680 किलोमीटर है तबूक का मदीने से 680 किलोमीटर। उस जमाने में सवारी से लेकर मैं इतनी तफसील इसलिए बता रहा हूं नतीजे तक पहुंचेंगे महसूस होंगे वही गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। मदीने से 680 किलोमीटर की दूरी सवारी से 14 दिन में तय की जाती है। 14 दिन जाना 14 दिन आना। रास्ता जो था दो तरह का था। एक वो था कि जिसमें जगह जगह पहाड़ियां थी चढ़ान और फिर खाई थी इनसे भी पार हो गए तो सिर्फ रेतीला सहरा और मैदान जहां सख्त गर्मी 50-60 डिग्री के ऊपर थी जहां आदमी पानी पीते पीते मर जाए और प्यास न बुझे
पैगंबर ने लश्कर तैयार कराया कि हमें जाना है इस रास्ते से। मैंने जोग्राफिया बता दिया, लोगों तैयार हो जाओ, हमें तबूक जाना है जंग करने के लिए। रसूल खुदा जंग करने के लिए निकल रहे, लोगों को हुक्म दे रहे तैयार हो जाओ। 30,000 लोग तैयार हो गए, 30,000 का लश्कर तैयार हुआ। जब ये 30,000 का लश्कर तैयार हो गया, पैगंबर ने सुना कि कुछ लोग हैं नहीं आ रहे जंग करने के लिए। हट्टे कट्टे होते हुए, समझौते होते हुए पैगंबर ने बुलाया उन्हें। सामने बहानेबाजी की न जाने वालों ने, हमारी ये मजबूरी है, हमारी वो मजबूरी है। जिसमें से एक तफसीर में नाम बनाया बयान हुआ जद इब्न कैस और दो अफराद और, कि ये लोग नहीं गए थे। जब पैगंबर वापस आए हैं जंग से, तो पैगंबर जब वापस आए तो पैगंबर के साथ जाकर के खुशी से मिले। अलबत्ता ये तीनों लोग जो थे अपने उस गुनाह पे नादिम थे कि हम जिहाद के लिए क्यों नहीं गए। तब ये आलम था, पैगंबर नाराज हो गए, लोग आए और सलाम किया, पैगंबर ने सलाम का जवाब नहीं दिया, प्लस ये के मुंह फेर दिया। कुरान में इनके सिलसिले में आयत आई है कि अल्लाह ने इन तीनों लोगों की तौबा को कबूल किया, फिर रसूलुल्लाह ने इनके सलाम और जवाब को जारी रखा। इनका हर तरह से बायकॉट हो गया। मैं उनके बायकॉट की तारीफ की हद बयान कर दूं, घर में औरतों ने भी अपने बिस्तर जुदा कर लिए कि रसूल खुदा ने इनसे मुंह फेर लिया है। ये कौन थे? मुनाफिक थे, लेकिन इन्होंने तौबा किया तो अल्लाह ने तौबा इनकी कबूल की। उसकी अपनी अलग तफसील है, उस तफसील को नहीं बयान कर सकता मैं अभी, हमने बिल्कुल गुंजाइश नहीं। जल्दी जल्दी मैं वाकया बयान कर दूं। इन लोगों ने तौबा किया, लेकिन तौबा के पहले रसूल ने क्या अपनाया? वापस आए, सलाम किया, जवाब नहीं दिया। ये कौन लोग थे? मुनाफिक थे। रसूल ने मुंह मोड़ लिया। रसूल कौन है? रसूल है कुल, फातिमा है जुज। किरदार से किरदार मिलाओ। नबी ने किरदार पेश कर दिया था, जब मुनाफिक आकर के सलाम करे, सलाम का जवाब न देना। जब सामने आके बैठ जाए तो मुंह को फेर लेगा। फातिमा ने कुछ न नया किया था, वो बता रही थी जो कुल ने किया है वही। नहीं निकले। अब इधर जो मुनाफिक लोग बचे हुए थे, ये तो मैंने पहले ही बयान कर दिया, जो बात का बात किया था मुंह फेरना सलाम का, पहले तो आप फिर आइए सुनिए। रसूलुल्लाह इधर तैयार करा रहे लोगों को, बहानेबाजियां कर रहे हैं। जब लोगों को यकीन हो गया सच में रसूलुल्लाह तबूक जा रहे हैं, जोड़ा 14 दिन जाने में, 14 दिन आने में, 28 दिन कम से कम, 2, 5, 10, 15 दिन तो रुके, कम से कम 2 दिन तसव्वुर कर लो तो 1 महीना मदीने में तो नहीं है। मदीना क्या था उस वक्त? दारुल हुकूमत, उम्मते मुस्लिमा का कैपिटल, राजधानी। मुनाफिकों ने तय ये किया कोई भी जंग बगैर अली के तो होती नहीं है। रसूलल्लाह और अली चले जाएंगे, मैदान खाली, मदीने पे कब्जा हमारा हो जाएगा। उम्मते मुस्लिमा की राजधानी जहां हाथ में आ गई, फिर ये इस पर हुकूमत हमारी होगी। ये रसूल की जिंदगी में ये चाल चली गई, मदीने पे कब्जे की। लेकिन अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? रसूल आप जा रहे हैं, अपना जाना चाहिए मदीने में बना करके जाइए। तवज्जो कीजिएगा, जब सब तैयार हो गए, मौला कायनात भी जंग के लिए तैयार हो गए, अली तुम्हें जंग पे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हें मदीने में अपना जानशीन बना रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं मदीने में
तुम्हें अपना जान हसीन बना रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, रसूल कितने दिन के लिए गए थे मदीना छोड़ करके? कितने दिन के लिए गए थे? ज्यादा ज्यादा 14 दिन जाना, 14 दिन आना, 2 दिन रुकना, 1 महीना। एक महीना के लिए नबी मदीना छोड़ करके जा रहे, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरा खलीफा होना चाहिए। और जब बिल्कुल से जा रहे किसी भी तारीख में पढ़ लीजिए, यही बात मिलेगी। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। रसूल खुदा ने जंग तबूक में जाने के पहले अपना जानशीन किसको बनाया था सिवाय अली के? कोई दूसरा नाम बता दे जाने। सारी तारीखों ने यही कहा, हमें जब सब तारीखों ने लिख रहा है तो मानने में क्या हर्ज है कि 30 दिन के लिए तो छोड़ ही नहीं गए बगैर खलीफा के, और हमेशा के लिए जा रहे हैं नबी उम्मत को ऐसे छोड़ करके चले गए बैठ गए। अब रसूल खुदा जानशीन बना करके निकले, पैगाम सुनिए। और यहीं पे गुफ्तगू को फिर मैं समेट रहा हूं। तफसील इतनी है इस जंग का की तफसील जब मैंने पढ़ी है, बाखुदा मुझे एहसास हुआ कम से कम 4 या 5 मजलिस पढ़ूंगा तब जाकर ये पूरी जंग का वाकया कि जिसमें जंग नहीं हुई, सिर्फ यही बताना कि जिसमें जंग नहीं हुई कि इसके मोजिजात क्या है, करामतें क्या है। पैगंबर अकरम, बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मदीने से 30,000 के लश्कर के साथ निकले। वो मुनाफिक जो मदीने में रुक गए थे प्लानिंग के तहत, उनकी स्कीम तो फेल हो गई। क्यों फेल हो गए भाई? पूरा मदीना खाली हो गया, 30,000 लोग चले गए रसूल के साथ, फेल। अकेला अली काफी है, एक तरफ उम्मत के मुसलमान वो भी साथ में नबी, एक तरफ अकेले इस उम्मत को संभालने के लिए अली काफी है। आप रसूल खुदा जैसे ही निकल गए, देखिए हमदर्द वो नहीं है जो आकर के पहचान लीजिएगा, ये अक्सर बेहतर होता है हमारे समाज में। हमदर्द वो नहीं है जो आए गए बोले साहब आपके भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है, आपके बगैर कहां कोई जंग फतह हुई। मुनाफिक आकर पहले आपकी खुद तारीफ करता, आपके बगैर कोई जंग कहां जीती गई, आपके बगैर कहां कोई फतह नसीब हुई, आप भी गए होते, लेकिन इस दफा न जाने क्यों रसूल अल्लाह आपको रोकने लगे। अब तो हमें यह लगता है तारीख के अल्फाज में लगता है कि आप अब बोझ हो गए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अलहयाज़ बिल्लाह। ए अली, मदीने की इस्लाह सिवाय मेरे कौन कह रहा है? पैगंबर। ए अली, मदीने की इस्लाह सिवाय मेरे और तुम्हारे किसी से मुमकिन नहीं है। जैसे ही नबी ने ये कहा, अली वापस चले गए। नबी ने फैसला कर दिया। नबी ने ये नहीं कहा आज मदीने की इस्लाह, कल मदीने की इस्लाह। नबी ने गुल्ली जो है कहा, जब जब मदीने में इस्लाह की जरूरत आएगी, या तो मेरे जरिए होगी या तो अली के जरिए होगी, मदीने की और कोई इस्लाह नहीं। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आला अब मुनाफिकत का चेहरा देखिए कि और आसमान की तरह रोशन हो जाएगा। वहां उन लोगों ने देखा जब रसूलुल्लाह के लश्कर पहुंचा, हार मान ली, जगह नहीं होगी, हैबत तारी हो गई, जिजिया देने पे, सुलहनामे पे और अहद करार पे आगे लश्कर इस्लाम वापस आने लगा। बड़ी सहमतों के साथ पहुंचा तो सही सहमत है, सारी बातें छोड़ते हुए अब वापस लेकर के आ रहा हूं लश्कर। जब वापस आने लगे तो रास्ता कैसा था? सहराई, सहरा में यानी मैदान,
मैदान में मुनाफिक कभी खुल के आया नहीं। तो मैं अब जगह कौन सी बची कि जहां मुनाफिक हमला कर सकता है? पहाड़। मुनाफिक की बहुत पसंदीदा जगह है पहाड़। लगा वो पहाड़ पे यूं सीधी चढ़ा, फिर सीधी ढला, इधर से चढ़े और उधर उतरे। चढ़ने में तो हाँपते डांपते आदमी चढ़ान पे चढ़ जाता, उतरने में बहुत बैलेंस बनाना पड़ता। अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए लुढ़कते हुए खाई में जाएंगे बचेंगे नहीं। बहुत ऊंची पहाड़ी थी, पहले ही से घात लगा करके मुनाफिक जा करके 10-12 अगर बाज रवायतों लिखा है 12 बाज में 14 बाज में 17 तादाद लिखी है कि ये लोग अपने चेहरों को ढाक करके पहले ही से जाकर के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही इस जगह पे नबी पहुंचेंगे इनके ऊंट को भड़का दिया जाएगा। कहा ऊंट को क्यों भड़काएंगे? मारेंगे नहीं, कहा ऊंट को भड़का देंगे, ऊंट भड़काएंगे ये ऊंट से गिरेंगे। मैं ऊंट के लुढ़कते हुए इतनी खाई में जाएंगे बचेंगे ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं लगेगा, बांध लगा देंगे कि हादसा हो गया। बाद में ये नाम लगा दे हादसा हो गया, हम लोगों में से किसी का नाम भी नहीं आएगा कि हमने कत्ल किया। रसूलुल्लाह जब चढ़ान पे चढ़ने लगे पीछे 30,000 का लश्कर, का आहिस्ता आहिस्ता आओ फासले से आओ, रोक दिया उन लोगों को, ठहर जाओ पहले मुझे आगे आगे जाने दो, कुछ फासला हो जाए तब तुम लोग आना। अब रसूलुल्लाह आगे जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, अंधेरा छा रहा है, अंधेरा छा रहा है, अंधेरा छाते छाते पैगंबर जैसे ऊपर पहुंचे आगे आगे हमारे यासीन महार पकड़े हुए नेता नाके की, पीछे से हुज़ैफ़ा यमानी रसूल के खास सहाबी बेशक नाके को हटाते हुए। एक दफा रसूलुल्लाह जब ऊपर पहुंचने वाले थे कहा हुज़ैफ़ा जरा चाबुक तो निकालना, जरा सुनिएगा रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है कभी भी इंसान छोड़िए अपने जानवरों को भी हटाने के लिए चाबुक नहीं मारा, लेकिन आज हुज़ैफ़ा से कह रहे हुज़ैफ़ा चाबुक निकालो। हुज़ैफ़ा की ताज्जुब में कि कभी न मारने वाला आज चाबुक क्यों निकलवा रहा, सलमान भी मोहम्मद वाले मोहम्मद आगे बढ़े, लेकिन वो समझते हैं कि रसूलुल्लाह की हिम्मत है। जैसे ही आगे पहुंचे मुनाफिकों ने अपनी चाल के मुताबिक और अपनी साजिश के मुताबिक एक गोश्वंद भेड़ की खाल उसमें घास फूस भर करके मुजस्मा अजीब शक्ल का बनाया, ऊंटनी के सामने इसलिए देखा है जानवर के सामने जब अजीबुल खिलकत कोई चीज आती है तो भड़क जाते हैं, लेकिन वो भूल गए थे रसूल का नाका भी कोई मामूली नाका नहीं है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की सवारी भी कोई मामूली सवारी नहीं है। अब कोई असर ना हुआ, जब असर ना हुआ तो तलवार निकाल करके खोल करके आ गए, लेकिन अंधेरा और चेहरे में नकार। रसूल अल्लाह ने कहा हुज़ैफ़ा चाबुक है ना हाथ में? कहा हाँ है। कहा इनकी सवारियों के इनके घोड़ों के मुंह पे मारना शुरू करो। कहा मुंह पे, सबसे नाजुक जगह होती है, एक तिनका भी आता है तो आप बच जाते हैं, सबसे ज्यादा इस चेहरे को बचाने की आदमी कोशिश करता है। अभी चेहरे की तरफ कोई ढेला आ रहा है तो हाथ से रोक लेंगे, ये हाथ भी तो इसमें चोट लगती है, कारण ये हसास जगह होती है। रसूल अल्लाह ने कमजोरी जानवरों की बताया कि जानवरों को अगर कब्जे में करना है तो उनके मुंह को पकड़ो। अरे भैया कुछ जानवर इंसानों की भी शक्ल में है, इंसानों की भी शक्ल में, वो जवानी पे आ जाते हैं, गलत पे आ जाते हैं, कुछ न करो मुंह पकड़ो, जवाब देने की ज्यादा जरूरत नहीं। अब जरा और कीजिएगा, जनाबे हुज़ैफ़ा ने जब ऐसे मारना शुरू किया जिन आए थे रसूल अल्लाह की सवारी भड़काने, खुद उनकी सवारी भड़क गई और वो सरपट भागे। जब देखा कि अब हम काई में चले जाएंगे, फौरन घोड़ों को मोड़ा और उसी अंधेरे में जाकर के 30,000 में शामिल हो गए। उसी 30,000 के लश्कर में जाकर मिले, थोड़ा सा सांस लिया हुज़ैफ़ा ने और हम मारने और रसूल खुदा उधर करान पहुंच गए। तो एक दफा हम मार गए थे,
जेल में छुपे हुए थे, घोड़े किसके थे ये तो पहचान लिया, लेकिन मैंने चेहरे नहीं पहचाने। देखिए मोमिन, असली मोमिन की पहचान यही होती है जब तक के खुला चेहरा न देख ले नाम नहीं लेता। ये ईमान की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। रसूल अल्लाह ने कहा ए हुज़ैफा, ए अमर, ये एक राज है। सुभान अल्लाह, ये एक राज है, तुम दोनों को मैं बता रहा हूं लेकिन किसी को मत बताना। जनाबे रसूल खुदा ने हुज़ैफा को, हमारे यासिर को नाम बताया, फलाई बिन फला, फलाई बिन फला, फलाई बिन फला, फलाई बिन फला, फलाई बिन फला। अब कौन कौन था जब रसूल अल्लाह ने नहीं बताया और बता करके जो है फिर मना कर दिया उन दो लोगों को, तो हम कौन होते हैं बताने वाले। लेकिन कुछ बातें करीने समझा देते हैं। उर्दू की एक कहावत है, पता नहीं यहाँ भी लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, चोर की दाढ़ी में ठीका, सलमान नहीं पर मोहम्मद। ये सारा वाक्य खत्म हो चुका दूसरी खिलाफत के समान आ गया। दूसरी खिलाफत के समान आ गया। फरमाते हैं, कहते हैं कि हम लोग मुनाफिकों को ऐसे पहचानते थे अपने जमाने में, खुद फरमाते हैं। दूसरा जमान आ गया, हम मुनाफिकों को ऐसे पहचानते, कैसे के जब हुज़ैफा इब्ने यमान जिसकी नमाज जनाजा में शामिल हो जाते थे समझते थे ठीक ठाक, और अगर नमाज जनाजा में शामिल नहीं होते थे हम पहचान जाते थे कि वो मुनाफिक है, हम पहचान जाते थे वो मुनाफिक है। कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा एक जनाजा मस्जिद की जानी जा रहा है और हुज़ैफा वहीं दरवाजे पे बैठे हुए। मैंने जाकर के कहा मुस्कुरा करके, हुज़ैफा नमाज पढ़ लो, जनाजा आ गया। कहा आपको तो पता ही है। कहा अच्छा, हाँ ये भी मुनाफिक था, ये भी मुनाफिक था। कहा हाँ, कहने मैं भी वहीं बैठ गया। कुछ देर बैठा रहा सोचते सोचते, मैंने कहा इनसे कुछ पूछा जाए। कहा मैंने कहा ए हुज़ैफा ये बताओ, सुना है रसूल अल्लाह ने तुम्हें सारे नाम बताए थे। कहा बताए थे लेकिन मना कर दिया था किसी को बताना मत। कहा ये बताओ मेरा नाम, मेरा नाम तो नहीं लिया था, यहां की बात अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और पीछे आइए। जनाबे हुज़ैफा ने कहा तुम्हें पता है ना मैं किसी मुनाफिक की नमाज नहीं पढ़ता। यानी एक बात तय हो गई, जिसकी नमाज रसूल का कोई सहाबी न पढ़े, रसूल का खास सहाबी अगर किसी की नमाज में मौजूद होकर के भी न जाए और न पढ़े, गोया के उसे मुनाफिक तस्लीम किया जाएगा। अली उसी मदीने में मौजूद, इतनी दुश्मनी। अब नबी ने ये हदीस समझ में आई, ये अली तुम्हारी नस्बत से वैसे ही है। बड़ा सताया गया मूसा को भी, बड़ा सताया गया हारून को भी, इल्ला ला नबी अबादी, बस फर्क हमारी निस्बत में और मूसा और हारून वाली निस्बत में फर्क यही है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, उनके बाद और फिर उस मंजिल पर आया है कि अब तो असमत समझ लो, अना व अली अब वहाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप, मैं और अली इस उम्मत के बाप। ताकि अली की मंजिलत को समझ लो, रूहानी बाप है तुम्हारे, तुम्हारे बापों के भी बाप, बाप की मंजिल समझिए। किसी और से नहीं कहा, कोई और मिसाल नहीं दी, बाप कहा अपने आप को उम्मत का। चचा कह देते, दादा कह देते, पर दादा कह देते, वो ये सब बाप का, ताकि बाप की अजमत वहां से हो सके।
बाकी अपने मजाजी बाप को समझो, अपने उस बाप को जिससे तुम जने गए हो उसे समझो, ताकि तुम्हारे ये रूहानी बाप समझ में आ सके। वालिदैन की इताअत इसलिए रखी गई है कि अपने बाप की इताअत करना सीख लो घर में, फिर तुम्हें समझ में आएगा उम्मत के बाप की इताअत कैसे की जाए। और शायद यही वजह है कि जो लोग अपने घर में अपने बाप की इताअत करना जानते हैं वही मौला ए कायनात और रसूल खुदा की सही इताअत करना चाहिए। बाप बाप होता है हमारा, और बाप का हमारा और आपका बाप अगर इस दुनिया से चला जाता है कुछ न कुछ उसकी मीरास होती है। तीन मिनट से ज्यादा मसायल नहीं बढ़ूंगा, खत्म। तीन मिनट मजलिस का खत्म। रोइएगा दिल खोल करके रोइएगा, गोशा नहीं करके जा रहा। बाप के मसायल बहुत सुना करते हैं हम में से, आप में से कोई भी इस दुनिया से जब रुखसत होकर के जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ मीरास होती है, वो बचती है बच्चों में। शरीयत के मुताबिक जैसा जिसका हक होता है उसको वैसा दे दिया जाता है, बेटे है तो बेटे को, बेटी है तो बेटी को, जौजा है तो जौजा को। माँ और बाप ये मीरास पाते हैं। अगर मीरास किसी की होती है तो बच्चों में तकसीम की जाती है। जब जिसके पास कोई माले दुनिया होगा तभी बच्चों में बटेगा, और अगर नहीं है तो क्या बटेगा। अली इस दुनिया से जा रहे थे, माले दुनिया में से उनके पास क्या था, उम्मत का बाप। माले दुनिया में से अली के पास कुछ था, नहीं था ना। तवज्जो के सिवे और गुफ्तगू खत्म, और यही बात के लिए, बात के लिए बेहतरीन निशाने सवाब हो जाएगा। रो लीजिए, गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अली के पास माले दुनिया में से कुछ ना था कि जो बच्चों को मीरास में से मिलता। हाँ, अली के पास मीरास में जो चीज थी ना वो अली की मजलूमियत थी। अल्लाह अकबर। अली पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन मैंने सोचा तीन बड़े जुल्म हुए, तीन तरह के अली पर बड़े जुल्म हुए। अल्लाह अकबर, तीन बड़े जुल्म हुए। वो तीन बड़े जुल्म क्या थे? अली को के ऊपर तीन जुल्म के जो जरिए बने वही अली की मीरास करार पाए। वो कैसे? अली की मजलूमियत अली की मीरास हो गई, अली की मजलूमियत अली की मीरास हो गई। अली पर जो जुल्म हुआ वो तीन तरीके से हुआ। एक जुल्म हुआ चलता हुआ दरवाजा जब गिराया गया था फातिमा के ऊपर, अली के गले में रस्सी बांधी गई थी। पहला जुल्म अली पर यह हुआ, गले में रस्सी बांध कर अली को खींचा गया। दूसरा जुल्म अली पर यह हुआ, हालत सजदा में मस्जिद में तलवार से शरबत लगाई गई। तीसरा जुल्म अली पर जो हुआ, तलवार से जो शरबत लगाई गई थी उस तलवार को शहर में उठाया गया था। अब अली की तीन तीन मीरास बनती है, मजलूमियत की तीन मीरास। बाबा आपको शहर में शहीद किया गया, आपकी इस मीरास को मैं अपनाऊंगा। हुसैन आगे बढ़े, बाबा तलवारों से शहीद किया गया, इस मीरास को हुसैन अपनाएगा, अपने गले को तय लेता। जैनब कुलसुम आगे बढ़ी, ए बाबा